नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका। और हमारे साथ ग्राउंड से अभी जुड़ चुके हैं हमारे खास एक रिपोर्टर, जो कि आपको अब यहाँ पर फाइनल रिजल्ट देंगे कि कौन जीता, कौन हारा और क्या अंतर था। जी नदीम जी, आप हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्हें जानकारी दें कि अभी फाइनल रिजल्ट क्या आया है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा प्रदीप जी, चैनल के माध्यम दर्शकों को बताना चाहूंगा कि दूरस्थ क्षेत्र चाइना नेपाल बॉर्डर जो धारचूला विधानसभा कहलाती है, वहां से फिर तीसरी बार कांग्रेस के विधायक हरीश दामिन 1118 वोटों से जीते हैं। पोस्टल बैलेट में उनको 705 वोट मिले, बाकी वोट ईवीएम के आधार पर टोटल काउंटिंग के बाद 26,332 वोट हरीश दामी को मिले और 25,087 वोट धनसिंह धामी को मिले। इस तरह हरीश दामी जी ने धारचूला विधानसभा को हैट्रिक की है और 1118 वोट से उनकी विजय हुई है। और जी जी अभी दूसरी बात बताऊं कि पिथौरागढ़ की जो अच्छे नेताओं में शुमार थे स्वर्गीय प्रकाश पंत जी, उनकी पत्नी ये चुनाव हार गई है। उन्होंने मयूख मेहर से 7,000 वोटों से इस चुनाव को हारा है। इस चुनाव की अभी बैलेट पोस्टल की लास्ट काउंटिंग और होनी बाकी है, चाहे 10-20 मिनट और लगेंगे, अंतर घटेगा तो 6,000 हो जाएगा, लेकिन मयूख मेहर इस चुनाव को यहाँ से जीत चुके हैं। इस तरह से ही जी फकीर राम जी ने शुरुआत से ही लीड बनाई थी और लगातार वो हर राउंड में बढ़त बनाते चले गए और इस तरीके से फकीर राम 4,400 से विजय हो। अभी सबसे बड़ी बात रही है, जो इस विधानसभा में 6 बार विधायक बन चुके हैं बिशन सिंह चुपाल, जो पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और आज फिर उन्होंने एक बार 2,800 वोटों से विजय हासिल की है। इस तरह से यह चुनावी समर का आज समाप्ति की तरफ हो गया, जिसमें कि 2 सीटें जिले से कांग्रेस को मिली हैं और 2 सीटें भाजपा की झोली में गई हैं। जी प्रदीप जी जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि सवाल ये है कि जिस तरह से धारचूला में ऐसा माना जा रहा था कि एक तरफा होगा, लेकिन यहां पर भी काफी क्लोज फाइट रही है, तो इसको लेकर के क्या आकलन है आपका? हरीश दामी को सोचना पड़ेगा, वो विधायक रहते हुए भी इतनी नजदीक नजदीक उनकी फाइट रही। एक दौर ऐसा आ गया था जो कि 10वां राउंड चल रहा था, केवल 280 वोटों की बढ़त में हरीश दामी टिके हुए थे। उसके बाद थोड़ी बढ़त बढ़ी, जो थोड़ा थोड़ा करते हुए जब शुरुआत के दौर में हरीश दामी 5,000 वोट से लीड कर रहे थे, वो आखिर 1,118 वोट से जीत पाए हैं। धनसिंह दामी ने कहीं ना कहीं पूरा जोर लगाया था, धनसिंह दामी का फैक्टर बहुत अच्छा काम किया। हरीश दामी को अपने गृह क्षेत्र तल्ला जवाहर से भी नुकसान उठाना पड़ा और ये कहीं ना कहीं एंटी कम्बेंसी नहीं कहूंगा, हो सकता है कि कुछ ऐसे कार्य रहे हों, लेकिन हरीश दामी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ भीतरघात भी कुछ हुआ है, मैं उन भीतरघातियों के लिए भी कार्रवाई करूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं धनसिंह दामी ने नाको चने चबे चबाए हैं। राइट राइट। तो जो अन्य कंस्टिट्यूएंसी हैं, अगर उनके बारे में थोड़ा सा इस तरह से अगर आप अपना जो आकलन है, जैसे डीडी हाट में एक बार फिर से क्लोज फाइट। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो चंद्रा पंत जी, लगता है कि शायद पिथौरागढ़ ने उनको नकारा है, क्योंकि इस जिले की सबसे बड़ी लीड वहीं से हुई है। मयूख मेहर जी ने लगातार स्टार्टिंग से ही लीड बना ली थी और लगातार बढ़त बनाते गए और आखिर में चंद्रा पंत को हार का सामना करना पड़ा, जबकि प्रकाश पंत एक बड़े अच्छे नेता थे इस क्षेत्र में और कई बार मयूख मेहर जी प्रकाश पंत में आपस में लड़ाई में कभी मयूख मेहर जीते कभी प्रकाश पंत जीते, लेकिन इन दोनों के बीच में ये चीज सिमट रही थी। लेकिन आज लग रहा है मुझे कि शायद मयूख मेहर जी ने दोबारा से इस क्षेत्र को ले लिया है और जनता ने भी उनको भरपूर समर्थन दिया और उन शुरुआती दौर से वे अच्छे वोटों से जीते हैं। ऐसा कहीं ना कहीं ये लगा कि शायद हो सकता है कि भाजपा का कोई फेलियर रहा हो, जो कि चंद्रा पंत को नुकसान हुआ। जी बिल्कुल बिल्कुल है। और थोड़ा सा समय और आपका लूंगा, क्योंकि हमारे जितने भी दर्शक हैं वो आपको सुनना भी चाहते हैं। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि जिस तरह से डीडी हाट को लेकर के क्या आंकलन है, जिस तरह से डीडी हाट में एक बार काफी क्लोज फाइट थी। डीडीआर का आंकलन यह था कि किशन और बिशन दो नाम बड़े फेमस चल रहे थे, किशन और बिशन, लेकिन बाजी बिशन ने मारी, यानी कि पूर्व विधायक जो थे और 5 बार वो जीत चुके थे, छठवीं बार भी उन्होंने क्रिकेट की बॉल को सीधे छक्का मार दिया है। 2,800 वोटों से उन्होंने जीत की, लेकिन कांटे की टक्कर रही, कभी 80 वोट से कभी 200 वोट से, ये हो रहा था कि अब किशन जीतते हैं या बिशन जीतते हैं। प्रदीप पाल कहीं इस सीन में नजर नहीं आए, प्रदीप पाल तीसरे में थे, तीसरे ही रह गए, वो वहां पर अपनी बढ़त नहीं बना पाए, लेकिन लगातार बढ़त ऊपर नीचे होने के बाद आखिर बाजी बिशन ने मारी, किशन को हरा दिया। जी, आखिरी कमेंट आपकी तरफ से हम ये चाहेंगे कि गंगोली हाट को लेकर के कोई अगर संक्षिप्त में आप ऐसे आंकलन दें।
गंगोली आर्ट को लेके मुझे लगता है कि नारायण राम का फैक्टर शायद कुछ काम कर गया, और फकीर राम जी अपने आप में वृद्ध बुद्ध है, जानकार भी है, और काफी अच्छे उनकी वहां पर मेरे लोगों से बात हुई थी, वो काफी अच्छा उनका मामला है। तो कहीं ना कहीं खजान गुड्डू को ये नुकसान हुआ है, नारायण राम फैक्टर मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गंगोली आर्ट को प्रभावित कर गया है, या फिर ये जो नैनीताल में हाल हुआ है, सरिता आर्य को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, वो भाजपा में चले गई और चुनाव जीत गई, वही स्थिति यहाँ हुई है कि नारायण राम को अगर टिकट मिलता तो शायद ये सीट भी गंगोली आर्ट की साइड टक्कर देती, क्या पता हो सकता था कि कांग्रेस जीत जाती। कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में गंगोली आर्ट का फैक्टर नुकसानदायक कांग्रेस के लिए रहा है। जी, तो फाइनल में आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं उन्हें ओवरऑल एक संक्षिप्त में आकलन आप दे दें, और उसके बाद फिर इस लाइव कार्यक्रम मेरा आंकलन यह है, मेरा जो कहना है दर्शकों से कि जो अभ्यक्ति कार्य करता है वो व्यक्ति चुनाव अवश्य जीतता है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए कार्य करना अति आवश्यक है। साथ ही अभी आप देख रहे हैं बड़े बड़े दिग्गज जैसे पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत जी, ये चुनाव को नुकसान झेल चुके हैं, इस स्थितियां ये है, इसलिए जो धरातल से अगर राजनीति करेगा, धरातल पर रहेगा, वो व्यक्ति आने वाले समय में चुनाव जीतेगा, ये जनता ने बता दिया है। जनता ने जो भी वोट दिया, साइलेंट वोट दिया, अच्छा वोट दिया है, और जनता ने जो मैंडेट दिया है वो सभी कैंडिडेटों ने स्वीकार भी किए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस खास बातचीत के लिए, और दर्शकों से लेते हैं इस वक्त एक शॉर्ट टाइम के लिए विदा, और बहुत जल्द फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार। नमस्कार प्रदीप जी।